नमस्कार, सौराष्ट्र क्रांति में आपनु स्वागत छे। गई काले मोटी संख्या में क्षत्रियो कहवाय के राजकोट उमटी पड़ा और एक महासम्मेलन नु आयोजन थयुं, जेनी अंदर लाखों की संख्या में क्षत्रियो उमटी पड़ा। परंतु गई काले जे महासम्मेलन थयुं ने आगली राते एम कहवाय छे कि घोघा मेळाना धर्मपत्नी एवा शीला शेखावत आ सम्मेलन में आवा माटे निकळ्या हता अने एमने राजस्थान अने गुजरात की बॉर्डर पर रोकी देवामां आव्या हता अने एमने डिटेन कराया था। त्यारबाद एमने नजर कैद में रखा था एवं समाचार मिली गया था। आ सम्मेलन पूर्ण थता आज एमने मुक्त कर दया है। त्यांथी नजर कैद में छोड़ा बाद एमनी पहली प्रतिक्रिया है सामने आई है। एमनो गुस्सो आसमाने से शू कही रहा है गुजरात और राजस्थान क्षत्रिय ने जी आप वीडियो में। आज सुबह 3 बजे के आसपास हम यहाँ गुजरात में पहुंचे, मगर क्षत्रिय जो सम्मेलन था कोटा में राजकोट में उसमें आने के लिए सभी को मैंने बुलाया और मैं भी यहाँ पहुंची। लेकिन 3 बजे सरकार ने तो जैसे हमारी बातें सुनने के लिए अपने कान बंद कर रखे हैं और अपने उन नुमाइंदों को यहाँ लगा करके छोड़ दिया कि जितने भी क्षत्रिय हैं उनको पकड़ो और जेल में डालो। ये जेल नीति है, इन लोगों ने हमें दबाने के लिए जेलों का प्रयोग करते आ रहे हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि अगर क्षत्रियों को दबा लिया जाएगा तो बीजेपी सरकार में इनके रूपाला को जिताया जाएगा। तो मैं आप सबके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कह देना चाहती हूँ कि रूपाला तू तो गया भाई, तू कितना भी जोर लगा ले तू जीत नहीं पाएगा। तू आज इतनी घटिया जो अपनी नीति रीति अपना रहा है ना, जो सरकार तेरे साथ मिलकर के हम क्षत्रियों को मारने का काम कर रही है, हम उसको आज चेता देते हैं कि पहले भी हमने 2018 में एक नारा दिया था कि कमल का फूल हमारी भूल, मगर इस बार हमने ऐसा कोई नारा नहीं दिया था। हमने यही कहा था कि रूपाला की जगह पे किसी और को टिकट दे दीजिए, रिप्लेसमेंट हो जाएगा तो हम सभी क्षत्रिय आपके साथ हैं, आपका सहयोग करेंगे। लेकिन सरकार इस बात पे अड़ी हुई है कि नहीं, रूपाला ही चलेगा। तो रूपाला वाला जो पैसा था ना वो डाउन में चला गया, वो शेयर मार्केट में अब चलता नहीं है, तो उसको तो डाउन में डाल दिया। और मैं सरकार से और मेरे क्षत्रिय भाइयों से कहना चाहूंगी कि भाइयों, आप लोग देख रहे हैं कि कभी तो पगड़ियों को लात मारी जा रही है, कभी बहन बेटियों को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती थाने में डाला जा रहा है, उनकी अस्मिताओं पर गलत बोला जा रहा है, लेकिन सरकार के कान बंद है, सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही। तो सरकार अगर ध्यान नहीं देगी तो हम क्यों ध्यान देंगे? हम सरकार की खिलाफत नहीं कर रहे थे और अभी भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बात हम कह रहे हैं कि आज भी अगर रूपाला का टिकट किसी और को दिया जाता है तो हम साथ देंगे, लेकिन अगर रूपाला ही टिकट पे रहा तो हम उसको नामांकन भी नहीं बढ़ने देंगे, उसका जोरदार विरोध होगा। और मैं ये क्षत्रिय भाई जो गुजरात से हैं सभी, इनको कह देना चाहूंगी कि भाइयों, जितना हो सके रूपाला का विरोध करना है, उसके पक्ष में एक वोट भी नहीं जाने देना है, वोट तो छोड़ो नामांकन ही मत होने देना। जय माता जी की। पढ़नी सेना जिंदाबाद, पढ़नी सेना जिंदाबाद।